नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बथुए के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। ये देखिए इनके अंदर की फीलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं गर्मा गर्म पराठे हमने कैसे तैयार किए हैं। सबसे पहले मैंने बथुए को काट लिया है, फिर अच्छी तरह से धो लिया है और धोकर अब कुकर में चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 2-3 सीटी लगवाऊंगी। ये देखिए बथुआ पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करके निचोड़ लूँगी। ये देखिए मैंने बथुए को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है टाइटली। नमक ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना मिश्रण तैयार कर लिया बथुए का। अब मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। अब पानी की सहायता से आटे को गूंथ लूँगी। आटा मैंने लगा कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके पराठे बनाकर दिखाऊंगी आपको। लोई ले लेंगे सबसे पहले हम। बथुआ भर लेंगे इसमें अच्छी तरह से। जब तक मेरा वो पराठा सिकेगा तब तक मैं एक लोई और बना लूँगी। इसमें भी हम उसी तरह से भर लेंगे। इसको पलट लेंगे हम। अगर बथुए में पानी होगा तो पराठे फटेंगे, और अगर बथुआ बहुत अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ होगा टाइट हाथों से तो वह बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। थोड़े बहुत तो ऐसे निकलता रहता है, पर ज़्यादा जो परेशान होते हैं ना वो थोड़ा सा अगर लूज होगा ना बथुआ तो उससे होते हैं।
ये पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, ये सर्दियों में अक्सर बनाए जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर आया है दोनों तरफ से, बहुत अच्छे से सिका ही एकदम परफेक्ट क्रिस्पी। इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से सभी पराठे हम सेक लेंगे अपने। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये वाला भी पराठा सीख कर तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बथुए के पराठे बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पराठों के ऊपर मक्खन रख कर खाएँ तो इसका मज़ा डबल हो जाता है फ्रेंड्स। और इसका मज़ा हम दही के साथ भी ले सकते हैं, अचार के साथ भी ले सकते हैं। ये घर का बना हुआ अचार है आम का और चने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।